और कोरबा के SECL पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सात गांव के भू विस्थापितों ने मानिकपुर SECL खदान को बंद करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि SECL के पहले जमीन ले ली और नौकरी देने का वादा करने के बाद अब अपने वादे से मुकर रही है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा करने के बाद भी निजी कंपनियों को काम सौंपा जा रहा है। लगातार भू स्थापित मन ला यहाँ रोजगार नहीं दी जाते, बाहर से अन्य प्रांत से ला के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ नौकरी दिए जाते, यहाँ के आदमी मतलब नौकरी नहीं दिए जाते। बाहर से आदमी ला ला के रखा थे, वहाँ हमारे गांव के आदमी नहीं रखा थे, और बाहर से आदमी ला ला के रखा थे। गाँव वाले बोलते कि कोरोना है, दो है के कुछ भी बहाना डाल देते, और बाहर से ला ला के रखा थे वो आदमी, हमारे गांव के नहीं रखा थे। हमें ठेका कंपनी से ही हमको बात करना है, तो वो आना चाहिए, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आकर हम लोगों का समस्या का समाधान करें, क्योंकि बहुत लोग वैसे बुजुर्ग भी हैं, उनका भी तबियत खराब हो सकता है, बच्चे को। तो मामला पूरा कोरबा से सामने आया है, जहाँ पर वादा खिलाफी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, पर जो निजी कंपनियां हैं उनको ये रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते वहां के ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, और ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ में छलावा किया जा रहा है, और घंटों तक इसके चलते खदान भी बंद करके रखी गई, और साथ ही वहां के रहवासी लगातार मांग कर रहे हैं और आउटसोर्स नौकरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि जहां के रहवासी हैं वहीं पर उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लॉकडाउन के बाद इस तरह की तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया गया और साथ ही तमाम सारी कोशिशें भी की गई, तो बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो सरकार के उन वादों पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर क्या कुछ कारण है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला एक औद्योगिक नगरी है और पूरा जिला जो है संयंत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में अधिकांश जो खदाने हैं या जो निजी कंपनी है वो भू स्थापितों से जमीन अधिग्रहण कर जो है संचालित है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कई लोगों को भू स्थापितों को ना ही नौकरी मिली है नहीं मुआवजा मिली है। इसे लेकर कई सालों से जो है लोग आंदोलनरत हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे गए, संबंधित विभाग को इसको जानकारी देने के बावजूद भी उनको अनदेखा किया जाता है। स्थिति यह है कि ऐसे कई अभी भी लोग हैं जिनकी केवल खेती खेती किसानी के भरोसे ही लोग रहते थे, खेती किसानी करते थे, उसे भी SECL ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन आज तक उनको नौकरी मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले ही कुसमुंडा में जो है 15 भू स्थापितों ने खदान बंद कराने की चेतावनी दी थी, जहां अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद जो है उनको हड़ताल समाप्त किया गया था, लेकिन आज तक वहां भी नौकरी नहीं मिली। इसी कड़ी में जो है आज SECL मानिकपुर खदान में भी जो है हड़ताल किया गया है, जहां सात गांव के लोग जो है वहां एकत्रित होकर जो है स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि SECL जो है निजी कंपनियों को काम पे देती है, लेकिन उसके बावजूद जो भू स्थापित है उन परिवारों के न ही युवाओं को नौकरी दी जाती है। पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, आपने बताया कि इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, फिर आखिर क्या कुछ वजह है कि इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? अब इसमें मिलीभगत है, लापरवाही है, या इसके पीछे कारण कुछ और है? जी, कहीं ना कहीं इसमें SECL के अधिकारियों की मिलीभगत है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि जो है संबंधित विभाग के अधिकारी अनदेखी करते हैं, अगर किसी कार्यालय दफ्तर में जाते हैं नौकरी को लेकर या अपनी जो जमीन संबंधित दस्तावेज को पेश करने के बाद ही भी उनको जो है घुमाया जाता है और कई दस्तावेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। कई बार ये मामले आ चुके हैं, इसकी शिकायत संबंधित थाना चौकी में भी की गई है, लेकिन आज तक इसी मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीण आज भी आक्रोश से लेकर मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो न ही पानी दिया गया है, न सड़क दिया गया है, कई ऐसे समस्याएं हैं जिन्हें लेकर जो है ग्रामीण आज भी परेशान है, आज भी अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा कि आखिर आगे किस तरह के इनकी मांगे जो है वो पूरी होती हैं, या फिर जिनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है या नहीं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।